कि जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है और बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया जी, हरियाणा का भी और देश का भी पूरे का। क्यों हो गए इस चीज का हिसाब किताब लेंगे कि आज तक क्या किया उन्होंने? हम सारा हिसाब ले रहे हैं 10 साल का, आपने क्या किया, सभी रोड टूटे पड़े हैं, वो हिसाब किताब हम ले रहे हैं उनपे। तो वो जुआ भी नहीं दे रहे, वो उल्टा मारे नहीं पूछ रहे हैं। इनको दे दो आप। अच्छा रिंकू भाई साथ खड़े हो, कैसा माहौल है और कितनी तैयारी है? माहौल आप देख सकते हो जनता के अंदर, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा को देखने के लिए कितनी हजारों में जो है, हजारों लाखों की ये संख्या थोड़ी देर में होने वाली है। आप देख सकते हो कि रोड पर जनता आ गई है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है और बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। भाई सोनीपत में आज बीजेपी से हिसाब किताब मांगा जा रहा है और तमाम जो युवा साथी हमारे साथ हैं, खुशीराम जी हैं, खुशीराम जी के हिसाब किताब मांगो। जो 10 साल में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है नौकरियों में, अब नीट में देख लो क्या हाल मचा दिया, और एक चीज में उस चीज का हिसाब किताब लेने जा रहे हैं। भाई आप बताओ क्या किया आपने इन 10 सालों में? बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया जी, हरियाणा का भी और देश का भी पूरे का। भाई भतीजावाद और अमित शाह कहते हम लेंगे हिसाब तो थार पे, उनका भाई भतीजावाद नहीं पता आपको? बताओ क्या नहीं है उनके पास भाई भतीजा, यहाँ तो जो कुछ हुआ था सब कुछ क्लियर हुआ था जी। आज क्या बात होगी भाई साहब? हिसाब लेना रहे बीजेपी का, और जब सरकार से बाहर करके सारा हिसाब बढ़िया डाल लेंगे, सारा हिसाब हिसाब ले लेंगे। किस तरह का हिसाब लेना है? इतने बेरोजगारी से कैसे परेशान है आपको ही पता होगा, इतने बेरोजगार क्यों हो गए? इस चीज का हिसाब किताब लेंगे कि आज तक क्या किया उन्होंने, कौशल रोजगार को भर दिया उन्होंने और कुछ नहीं कर रहा। तो गुस्सा है इस चीज का? बिल्कुल गुस्सा है जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा में शामिल हो रहे, हिसाब किताब मांगा जा रहा है, आपके मन में कौन से ऐसे सवाल है जो चाहते हो मैं बीजेपी तक पूछूंगा? सारे सवाल हैं, 10 साल हो गए बीजेपी के, महंगाई बेरोजगारी सब कुछ है, हम सारा हिसाब ले रहे हैं 10 साल का, आपने क्या किया, सभी रोड टूटे पड़े हैं, वो हिसाब किताब हम ले रहे हैं उनपे। तो वो जुआ भी नहीं दे रहे, वो उल्टा मारे नहीं पूछ रहे हैं, इनको दे दो आप। कितना अच्छा है इलेक्शन में बताओगे बीजेपी? तो भाई कति सुपड़ा साफ जा गए, कत सीट भरे सके बीजेपी नू का है मान था मैं होने नहीं दी ना ना नू तक हर बार कटते आओ, वो तो लोकसभा में मीनू कह दे दीपेंद्र भी नहीं जीत सकता।